नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन लसूड़िया। इलाके में कल रात क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर हाई प्रोफाइल जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। आरोपियों से 1.5 लाख रुपए नकदी सहित करोड़ों रुपए की महंगी कारें जब्त हुई हैं। एक मकान में उन्होंने जुए की महफिल सजा रखी थी। ADCP क्राइम ब्रांच राजेश तंदोटिया के अनुसार कल मुखबिर ने सूचना दी थी कि हरे कृष्णा विहार कॉलोनी के एक मकान में रसूखदार लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। तुरंत ही लसूड़िया थाने की टीम के साथ क्राइम ब्रांच ने दबिश दी। मौके से इरफान पिता यूसुफ खान निवासी ओमैक सिटी, भूपेंद्र सिंह पिता नारायण सिंह तोमर निवासी ओमैक सिटी, महेंद्र पिता नाथू सिंह सिसोदिया निवासी बिचौली मर्दाना, गिरीश पिता मोहन चंद्र नायर निवासी कोयम्बटूर, हाल मुकाम गोयल विहार कॉलोनी खजराना, रोहित पिता राजेश सूद निवासी गोयल विहार खजराना, केतन पिता ललित भाटी निवासी तिलक नगर, श्रीकांत पिता छवि किशोर शुक्ला निवासी समर पार्क लसूड़िया और ललित पिता देवी शंकर को पकड़ा। आरोपियों के पास से 1,49,605 रुपये नकदी सहित ताश, 2 एल्युमिनियम के बॉक्स, प्लास्टिक के चिप्स के अलावा एक स्कॉडा कार, एक इनोवा कार, एक एक्सक्यूवी कार, टाटा टियागो, 2 टाटा हैरियर कार भी जब्त की गई है। जैसे ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, उन्होंने अपने रसूखदार मित्रों को फ़ोन कर दबाव बनवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। सभी के खिलाफ पब्लिक गैबलिंग एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर बताया जा रहा है कि जुआरियों से जो प्लास्टिक चिप्स पकड़े हैं उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर है। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हार जीत करोड़ों में हो रही थी। लसूड़िया में कल एक जुआ पकड़ा गया है जिसमें कि एस विलास से जो कि एक फॉर्म हाउस है, जिसको कि इनके द्वारा जो कि जो आरोपी थे जो जुआरियों के द्वारा इन्होंने ऑनलाइन इसको बुक कराया था और इसमें इस फॉर्म हाउस पर इन लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा था। इस पर से क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच से सूचना मिलने पर एस विलास फॉर्म हाउस है जो कि थाना लसूड़िया के अंतर्गत आता है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली, क्राइम ब्रांच और थाना लसूड़िया की टीम ने घेराबंदी की। उस फॉर्म हाउस में जब घुसे और जब देखा तो वहाँ पर 9 जुआरी मिले हैं। कुल मिलाकर उनसे 1.5 लाख रुपये मिले और 1.5 लाख रुपये कैश मिला है और 950 प्लास्टिक के जो चिप्स मिली हैं जो कि कशिनो में जो खेलने के काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूर्व में भी खेलते रहे हैं। फिलहाल इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसमें 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस स्ट्रक्चर किया गया है। इसमें 6 कारें भी बरामद की गई, जब्त की गई हैं, जिसमें कि एस्कोडा टियागो और इनोवा मिलाकर कुल मिलाकर 6 फोर व्हीलर्स भी जब्त किए गए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।